हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। सो फाइनली फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं टी शर्ट प्रिंटिंग। सो फ्रेंड्स, आज हम टी शर्ट प्रिंटिंग बताना चाहेंगे कि वे कैसे होती है और कैसे इस पे प्रिंट आता है। ये देख रहे हैं आप, ये टी शर्ट ब्लैंक है। अभी व्हाइट कलर हम चूज करेंगे टी शर्ट प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास कस्टमर डिमांड पर व्हाइट टी शर्ट ही आई है। सो फ्रेंड्स, अब हम उसको जो प्रिंट करेंगे, हम वो मटेरियल आपको एक बार शो करा देते हैं। मटेरियल के अंदर ये हमारा साइज सब्लिमेशन पेपर होता है, ये A4 शीट में और A3 में आता है। और ये हमारा प्रिंटर है, प्रिंटर के अंदर हमने सब्लिमेशन इंक हमने यूज़ कर रखी है। और ये हमारा PC है, PC पे हमने जो डिज़ाइन किया है वो डिज़ाइन मैं आपको दिखा देता हूँ। बैक प्रिंट तो हम ये करेंगे SNAPR और फ्रंट प्रिंट हम करेंगे ART। सो फ्रेंड्स, अब हम इनको प्रिंट निकालते हैं प्रिंटर से। एक सेकंड, मैं इसको फ्लिप कर देता हूँ। फ्लिप करने के बाद मैं प्रिंटर से प्रिंट कमांड दे देता हूँ। और ऐसे ही जो हमारा बैक साइड थी, बैक साइड को भी मैं प्रिंटर से प्रिंट की कमांड दे देता हूँ। पहले मैं इसको एक बार फ्लिप कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हमारा फ्लिप हो चुका है। अब मैं प्रिंटर पे प्रिंट की कमांड दे देता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हमारा प्रिंटर स्टार्ट हो चुका है। प्रिंटर जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसने पेज पकड़ लिया है और ये प्रिंट कर रहा है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रिंट निकल रहा है। फ्रंट पे जो हमने डिजाइन प्रिंट करना है वो हमारा प्रिंट निकल रहा है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा प्रिंट निकल चुका है और सेकंड बैक के लिए हमारा ये प्रिंट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब हम प्रिंटर की जो फ्रंट पे लोगो लगने थे, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं एक बार, क्योंकि हमने एक बार में 6 स्टिकर जो बोलते हैं इनको, हमने एक बार में निकाल लिए हैं। ये हमारे स्टिकर्स हैं। अब हम इसको अपने जो टी शर्ट है, टी शर्ट के ऊपर प्रिंट करेंगे। मैं एक बार आपको शो कराता हूँ। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये हमारी जैसे टी शर्ट है, मैं इसको मशीन पे सेट करना बताऊँगा आपको। मैं पहले मशीन को टी शर्ट को एक बार खोल लेते हैं कंप्लीट, और अब इसको डाई पे सेट करेंगे। सेट करने पर हमने पहले देखना है कि वो कंप्लीट, इसको मेंशन कर लेना है कि भाई इधर उधर से लेफ्ट राइट ज़्यादा ना हो जाए जहाँ पे हमने अपना लोगो लगाना है। सो फ्रेंड्स, अब इस पे लोगो लगाएंगे। ये हमने अपना लोगो जो प्रिंट निकाला था वो हम इस पर लगा रहे हैं। अब लगाने के बाद हम इस पर फोटो पेपर यूज़ करेंगे। जो फोटो स्टेट पेपर हमारा होता है उसको हम इस पर यूज़ करेंगे, ताकि इसकी रिफ्लेक्शन ना आए एक टाइप से, कि रीप्रिंट ना हो। जैसे कि हम अलग अलग लोगों करते हैं प्रिंट, कि भाई दोबारा प्रिंट है उस पर छाप आ जाती है। सो फ्रेंड, अब हमने इसको मशीन को बंद सेट कर दिया है। अब हम इसको ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद हम अपना टेम्परेचर जो है उसको सेट कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने अभी जो मशीन का करंट टेम्परेचर है वो 258 है। जैसे कि अभी टी शर्ट हमने लगाई है, तो टी शर्ट जैसे ठंडी थी, मशीन हमारी हल्की सी गर्म थी, तो इसी कारण वो टेम्परेचर एक बार हल्का सा डाउन जाएगा। डाउन जाने के बाद फिर से वो दोबारा स्टार्ट करेगा। जैसे ही वो दोबारा 300 पर टच करेगा तो हमारी मशीन कंप्लीट बंद हो जाएगी अलार्म देकर। सो फ्रेंड्स, हम वेट करते हैं इसका 300 पे जाने का। सो फ्रेंड्स, अब हमारी मशीन का टेम्परेचर लगभग 300 क्रॉस कर चुका है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, मशीन को ऑफ कर देते हैं और अपनी मशीन को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसका देखो, ये इतनी गर्म होती है बहुत ज़्यादा,
एक बार ये मैं लोगों को दिखा देता हूँ जो हमारा प्रिंट हुआ, ये हमने इस पर लगाया था और ये हमारी कंप्लीट छाप आ चुकी है। सो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार कंप्लीट दिखा देता हूँ, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा लोगो कंप्लीट लगकर रेडी हो चुका है और ये रफ एंड टफ है, फुल्ली वॉशेबल है, आप इसको कैसे ही यूज करो, हमारा लोगो नहीं उतरेगा, टी शर्ट भले ही फट जाएगी तो लोगो कभी भी ख़राब नहीं होएगा। इसको सिंगल वॉश पे टी शर्ट का अगेन वही से वही जो पहले वाइट कलर था सेम वैसे ही वाइट कलर रहेगा। सो फाइनली फ्रेंड्स हमारा बैक का प्रिंट भी निकल चुका है, अब हम बैक को इसी टी शर्ट पर जिस पे हमने प्रिंट किया था उसी पर मैं आपको बैक शो कराता हूँ। सो फ्रेंड्स अगेन हम इस टी शर्ट को वैसे ही करेंगे, डाई पे सेट करेंगे। डाई पे सेट करने के बाद जो हमारा प्रिंट था, बैक प्रिंट था, बैक प्रिंट हम लेंगे उस। ये हमारा जैसे बैक प्रिंट है आप देख पा रहे हैं, बैक प्रिंट पर हम यहाँ पे लगाएंगे और ऐसे ही अलग से हम दो फोटो स्टेट पेपर लेंगे, फोटो स्टेट पेपर को इस पर सेट करेंगे, अगेन हम फिर इसको हीट प्रेस करेंगे। सो फ्रेंड्स हमारी मशीन का टेम्परेचर अगेन वही कंप्लीट हो चुका है, हम मशीन को ऊपर उठाते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा प्रिंट। सो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो हमारा प्रिंट था सेम वही हमारी टी शर्ट पर आ चुका है, अब मैं इसको निकाल कर डाई से आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स ये हमारी डाई पर देखिए, आपने हमने आपको सेट करके दिखाया था, ये हमारा बैक प्रिंट और ये हमारा फ्रंट प्रिंट, ये हमारे कंप्लीट टी शर्ट फ्रंट बैक प्रिंट हो चुकी है, ये देखिए। सो फाइनली फ्रेंड्स आपको हमारी टी शर्ट कैसी लगी विद प्रिंट आप हमें बताएं, और अगर कोई इंटरेस्टेड है हमसे टी शर्ट प्रिंट कराने में तो नीचे दिए गए नंबर पर वो हमें व्हाट्सअप कर सकता है, जैसे इस पे हम फोटो वगैरह भी आप प्रिंट करा सकते हैं फ्रंट में या बैक में या किसी भी कंपनी का आप लोगो प्रिंट करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, आप हमें हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।